हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज से हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम होने वाला है ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर। और साथ साथ इस सीरीज के अंदर मैं अपने लिए एक चैलेंज भी रखूंगा कि मैं विदाउट गन स्किन खेलूंगा और नो गन स्किन के साथ ही इस चैलेंज को कम्प्लीट करूंगा ताकि मैं ग्रैंड मास्टर अचीव कर सकूं। एंड अभी तक शायद से ये चैलेंज किसी ने भी कम्प्लीट नहीं किया। गोल्ड टू ग्रैंड मास्टर वगैरह बहुत सारे लोगों ने किया है, बट ब्रॉन्ज से लेकर ग्रैंड मास्टर शायद मैंने अभी तक तो कोई वीडियो नहीं देखी है। तो चलो हम इस चैलेंज को करेंगे कम्प्लीट। आई होप कि इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बाकी यहाँ पर कैरेक्टर स्किल्स को भी देख लेते हैं। हालांकि मैं इसमें कैरेक्टर स्किल्स को भी यूज नहीं करने वाला था, बट हमारे न्यू अपडेट के बाद से एडम कैरेक्टर हमको नहीं मिलता है तो हमें कैरेक्टर स्किल यहाँ पर मजबूरन यूज करनी पड़ेगी। तो चलो कोई बात नहीं, कैरेक्टर स्किल के साथ ही चलते हैं और फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास हयातो लगा हुआ है, लूना लगा हुआ है, एंटोनियो लगा हुआ है एंड वुकोंग लगा हुआ है। तो चलो फटाफट से अब मैच को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, अब पहले मैच की बात करें तो मैंने यहाँ पर 12 किल निकाल देते हैं एंड यहाँ पर लॉबी काफी नॉर्मल आती है, नॉर्मल से भी नीचे की आती है, मतलब कि बॉट लॉबी आती है जब तक आपका ब्रॉन्ज रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक अच्छी लॉबी आने लगेगी तो वो भी देखेंगे, हम फेस करेंगे कि कैसा हमारे लिए रहता है ये मैच। और अभी तक तो हमारे 13 किल निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वेंडिंग पे आ जाता हूँ एंड फटाफट यहाँ से लास्ट वाले प्लेयर को हिटलिस्ट भी कर लिया हमने एंड वो ऊपर वाली साइड है तो फटाफट उसके पास पहुँच के पहला मैच फटाफट से बुया निकालते हैं। ओके, वो सामने वाली साइड से ही आ रहा है। ओके, वो रहा और फाइनली खत्म। हेडशॉट के साथ हमें पहला मैच निकल चुका है यहाँ पर। बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 107 का एंड यही पहला मैच था, इसी वजह से हमको ज्यादा प्लस मिला और साथ साथ हमारा ब्रॉन्ज 2 भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर 22 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 3 बंदे एंड एक बंदे को मैंने हिटलिस्ट भी करा हुआ है और वो भी खत्म। एंड जस्ट लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए हैं अब और उन 2 बंदे को फिनिश करके ये वाला मैच भी हम बुया ले लेंगे। सामने एक और बंदा डैमेज, चलो खत्म। और अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर 2600 कॉइंस तो फटाफट यहाँ पर हिटलिस्ट मार लेते हैं। अगर हिटलिस्ट हो जाता तो काफी बेटर है, नहीं तो हम उसे ढूंढना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हिटलिस्ट पे तो हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर मिशन नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि शायद नहीं हो रहा होगा मिशन। अब हमें जस्ट उसको ढूंढना है तो फटाफट उसको ढूंढ लेते हैं पहले प्लेयर्स को। A few moments later. Okay, तो मैंने काफी सारा ढूंढा एंड मैप यहाँ पर जोन देखते हो लास्ट जोन आ चुका है, बंदा भी सामने है और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ 25 किल के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है। बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 92 का। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। ब्रॉन्ज 2 से हमें थोड़ा बहुत और प्लस चाहिए, 2 का स्ट्रिक लग चुका है। अब बात करें यहाँ पर मैंने अगले मैच के अंदर 15 किल निकाल दिए थे एंड लास्ट के जस्ट 2 ही बंदे बचे हुए हैं एंड इसके अंदर में सामने बंदा, चलो खत्म। एक और बंदे की लोकेशन आ चुकी है जो कि आखिरी का प्लेयर होने वाला है एंड मेरे 16 किल भी निकल चुके हैं तो जस्ट उसको खत्म करते ही ये वाला मैच भी बुया निकल जाएगा पूरा और फाइनली खत्म। तो इसके साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है। बुया बुया बुया। एंड इस वाले मैच के अंदर टोटल हमारा यहाँ पर ब्रॉन्ज 2 से हो जाता है रैंक अप, वो भी सिल्वर 1 के लिए। एंड साथ साथ ये वाले मैच के अंदर टोटल प्लस मिल जाता है हमको 115 का। अब अभी तक तो मेरा रैंक पूरा नीचे है इसलिए मैंने फटाफट इस मैचेस को बुया किया एंड 87 का प्लस लगा के सिल्वर 2 किया। एंड फिर अगले मैचेस के लिए जिनके अंदर भी मेरे को बुया मिलते रहा एंड इसके अंदर 106 का प्लस लगते ही सिल्वर 3 भी हो चुका था। एंड अगले मैच के अंदर एक और बुया निकालने के बाद मुझे फिर से 86 का प्लस मिला एंड साथ साथ 6 की स्ट्रिक बन गई। अब बात करें तो हमको थोड़ा सा ही प्लस चाहिए था यहाँ पर अगली रैंक के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पर एक आखिरी का बंदा बचा था जिसे मैंने हिटलिस्ट कर लिया एंड जस्ट उसको खत्म करते ही हमारा ये वाला मैच भी बुया निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ से फटाफट से एक पोर्टल परचेज कर लिया ताकि मैं उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच के इस मैच को बुया कर लूं। एंड यहाँ से पोर्टल यूज करते हैं और ज्यादा दूर तो लग नहीं रहा तो मैंने यहीं पर लगा दिया है। एंड एनिमी का हिटलिस्ट मुझे सामने ही दिख रहा है बट शायद वो ब्रिज के उस साइड पे ही है तो चलते हैं फटाफट उसी के पास में। ओके, वो बंदा लास्ट का बंदा जो बचा हुआ है वो पत्थर के कवर पे है और लॉन्चर मैंने मारा तो सही बट उसको लगा नहीं। वेट, उसने ग्लू वॉल मार दी, थोड़ा बहुत एकदम एवरेज बंदा है तो ग्लू मेल्टर डाल देते हैं एंड इसे खत्म करते हैं। हमारा ये वाला मैच बुया निकल जाएगा एंड वो बंदा वैसे ग्लू वॉल तो लगा रहा है, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। उसका पैर दिख रहा है बट इसने फिर से ग्लू वॉल मार दिया। ओके, शॉट मिस, एक और शॉट मिस हो गया भाई, मेरी AWM के कनेक्ट ही नहीं हो रही। चलो एक शॉट तो कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर AWM में सिंगल है, वैसे रिलोड नहीं कर रखी मैंने, रिलोड करते हैं और फाइनली खत्म।
तो इसी के साथ हमें 10 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड इसके बाद हमारा सिल्वर 3 से रैंक अप हो जाता है, साथ साथ हमारा गोल्ड 1 भी लग जाता है। एंड अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, एंड साथ साथ 81 का प्लस मिल चुका है एंड 7 की स्ट्रिक। अब बात करें ये वाले मैच की तो मेरे 12 किल निकल चुके थे एंड आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है एंड मुझे उसको ढूंढ के खत्म करना है। बाकी मुझे पता भी नहीं है कि किस साइड में, ओके ऊपर की साइड दिखा, पत्थर का कवर लिए हुए है, आगे चल के उसको फिनिश करते हैं। इस मैच को भी बुया ले लेंगे, वो दिखेगा तो उसे हेडशॉट मार के खत्म करेंगे। वैसे वो एम लेने का ट्राई कर रहा है और हेडशॉट। इसी के साथ हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया बुया बुया, और वो भी 13 किल के साथ। एंड साथ साथ इस वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 85 का। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, एंड गोल 2 भी लग चुका है, साथ साथ यहां पर स्ट्रीक बन चुकी है हमारी 8 की। अब हमारी रैंक यहाँ पर गोल 2 से ऊपर हो चुकी थी, थोड़े बहुत एवरेज बंदे आने लगे थे एंड इस वाले मैच के अंदर मेरे जस्ट 4 किल थे। एंड आप देख सकते हो बंदे काफी अच्छा डैमेज भी दे रहे हैं, तो मुझे जस्ट इन लास्ट 2 बंदों को खत्म करके इस मैच को बुया करना है। एक बंदा मेरे राइट में, एक बंदा मेरे को सामने की साइड से मार रहा है जो कि ऑलरेडी जोन में पहुंच चुका है, तो पहले मुझे इसको डैमेज देना पड़ेगा। ओके 2 गोली पड़ी और वो सामने वाला बंदा भाई मेरे को ही डैमेज दे जा रहा है। इस बंदे को उसने डैमेज भी नहीं दिया, नहीं तो ये बंदा नॉक हो जाता। पता नहीं शॉट भी कनेक्ट नहीं हो रहा, वेट ओके चलो ये तो खत्म हो चुका है। सजाए मौत बंदा नाम है उसका एंड उसने इसको मौत दे ही दिया है, तो जस्ट अब एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है एंड हमें उसको खत्म करके इस मैच को बुया लेना है। बाकी यहाँ पर वॉल मार के चलते कहीं अचानक से हमें भी ना मार दे। अपने पास लॉन्चर भी पड़ा हुआ है, ओके डैमेज, एक और मारते हैं, डैमेज, एक और बार डैमेज। उसके हेल्थ तो ज़्यादा बची नहीं होगी, 3-4 गोली तो मैंने इसको कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर ज़्यादा इसके पास है नहीं। वैसे वुडपैकर पड़ी हुई है तो वुडपैकर हमने उठा लिया और जस्ट इस वाले को ख़त्म करते हैं। हमारा 5 किल के साथ ये वाला मैच बुया निकल जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्रेनेड कर देता हूँ, वैसे उसे जोन के लिए तो आना ही है। एंड वो बंदा पूरा का पूरा कवर लिए जा रहा है एंड अपनी ग्लू वॉल को वेस्ट भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अब सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे उसे भी निकलना पड़ेगा। ओके इसी साइड से निकलेगा, वैसे शॉर्ट रेंज भी हमें मारनी पड़ेगी MP40। ओके सोनिया एक्टिव। अब यहाँ पर देखते हो बंदे सोनिया तक यूज कर रहे हैं, बट फाइनली खत्म। तो इसके साथ हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया बुया बुया, वो भी 5 किल के साथ। एंड इस वाले मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 92 का एंड साथ साथ लग जाता है हमारा गोल्ड 3। अब इसके बाद से मैंने और मैचेस खेले जिसके अंदर मैं यहाँ पर बुया करते रहा एंड अगले मैच के अंदर मेरे को मिल गया यहाँ पर 72 का प्लस। एंड उसके बाद से अगला मैच खेला जिसके अंदर भी बुया निकला एंड उसके अंदर 75 का प्लस होते ही हमारा गोल्ड 4 भी लग गया। एंड इसके बाद से एक और मैच खेला जिसके अंदर 55 का प्लस मिला, साथ साथ 12 की स्ट्रीक भी बन चुकी थी। और अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर मेरे 8 किल निकल चुके थे, जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा था जैसे हमको उसको ढूंढ के फिनिश करना था। एंड इसके बाद से हमारा गोल्ड 4 भी ऊपर हुआ था, बट लास्ट वाला बंदा एलिमिनेट हो जाता है जिसके बाद हमको बुया मिल जाता है। एंड इस वाले मैच के अंदर हमको 73 का प्लस मिल जाता है, साथ साथ हमारी गोल्ड 4 से रैंक अप होती है प्लेटिनम 1 के लिए और साथ साथ यहाँ पर हमारा स्ट्रीक बन जाता है 13 का। अब अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के जस्ट 2 बंदे बचे हुए हैं एंड उन 2 बंदों को एलिमिनेट करने के बाद हमारा ये वाला मैच भी बुया निकल जाएगा, तो जस्ट हमको उसको ढूंढना है एंड फिनिश करना है। बाकी दोनों बंदों की लोकेशन हमें पता नहीं है कि किस साइड पे है। ओके एक बंदा सामने दिखा, डैमेज वो जस्ट 1 ही गोली का है बट उसने ग्लू वॉल मार दी है, वेट इसकी ग्लू वॉल तोड़ते हैं और फाइनली खत्म। तो 5 किल हमारे निकल चुके हैं एंड जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है एंड उसे फिनिश करते ही ये वाला मैच भी बुया निकल जाएगा। बाकी जोन तो अपने करीब पे ही है तो फटाफट उसे भी ढूंढते हैं। ओके वो सामने है, डैमेज वो कौन बन के जा रहा है, बट फाइनली खत्म। तो इसके साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 63 का, साथ साथ स्ट्रिक बन जाती है 14 की। अब बात करें अगले मैच की तो मेरे यहाँ पर 9 किल निकल चुके थे एंड जस्ट लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे एंड ये वाला बंदा यहाँ पर मैक्स 7 लेके रश कर देता है। एंड पता नहीं इस बंदे को मैं इतना डैमेज मारने का ट्राई करता हूँ बट इस पर डैमेज लगता ही नहीं है,
अब यहाँ पर देखो 10-10, 7-7 का ही डैमेज आ रहा है। शायद इसके पास लेवल 4 की वेस्ट है और साथ में यहाँ पर उसके पास जे बीब्स वाला कैरेक्टर भी है, जिस वजह से उसको डैमेज भी नहीं पड़ रहा है। तो जस्ट इसको खत्म करना है हमें, और एक और बंदा है, बाकी उस बंदे की भी लोकेशन हमें अभी तक पता नहीं है। तो वेट करते हैं यहाँ पर पीछे की साइड, अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो काफी अच्छा है, ताकि मैं यहाँ से फायदा लेके ले सकता हूँ भूया। मेरे पास स्कैनर तो पड़ा हुआ है तो मैंने यूज कर लिया है। बाकी एक बंदा तो अपने राइट में है, दूसरे का अभी तक पता नहीं है। ओके, दूसरा बंदा अपने पीछे ही है। जस्ट वेट, पहले इस साइड को ही चलते हैं एंड पहले अपने पीछे वाले बंदे को खत्म करने का ट्राई करेंगे। ओके, ऊपर साइड तो मेरी ही लैंड माइन लगी हुई है और वो वाला बंदा पता नहीं कहाँ गया। ओके, सामने ही है, देखो इसका जे बीब्स का कैरेक्टर चमक रहा है और देखो इसको डैमेज भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ज्यादा डैमेज देने का ट्राई कर रहा है बट लग ही नहीं रहा। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 लैंड माइन लगा दी हैं, अगर ये डैमेज हो जाता तो काफ़ी अच्छा है, और वो भी मेरे को डैमेज दे रहा है। बाकी ये वाला बंदा पता नहीं किस साइड पे है। ओके, ये तो खत्म हो चुका है, मेरी लैंड माइन से मर चुका है, और अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है और वो भी मेरे पर रश करने आ रहा है। चलो 53 का हेड तो पड़ा है उसको, अभी नीचे की साइड निकलते हैं, इस पर रश करते हैं। वो निकलेगा वहां से तो उसको खत्म करेंगे। ओके, वो रहा डैमेज, 88 का ही डैमेज आ रहा है AWM का। अब लगा लो उसके पास कौन से लेवल की वेस्ट है, अभी भी डैमेज नहीं आया। ग्लू मेल्टर डाल देते हैं। ओके, रहा डैमेज, वो बंदा जोन में ही पैक हो गया। यहां से डैमेज देते हैं, सोनिया एक्टिव और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ हमें 11 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 93 का, साथ साथ यहाँ पर आता है प्लेटिनम 2 स्कोर। अब इसके बाद से मैं अगला मैच खेलता हूँ जिसके अंदर भी मेरे को यहाँ पर बुया मिल जाता है, एंड साथ साथ इस वाले मैच के अंदर 70 प्लस करके हमें प्लेटिनम 3 को भी अचीव कर लेते हैं, साथ साथ 16 की स्ट्रीक भी बन जाती है। बट अगले गेम के अंदर एक खतरनाक का सीन होता है जहाँ पर मेरे 4 किल थे, सामने एक बंदा था जिसको मैंने यहाँ पर 150 का डैमेज तो दे दिया था, एंड मैं भी यहाँ पर जोन में काफी डैमेज हो रहा था, तो मैं यहाँ पर जोन डैमेज न लेके जोन के लिए निकल रहा था, एंड मैंने यहाँ पर वॉल से अपने आप को कवर भी कर लिया। अब यहाँ पर मैं जस्ट उस बंदे का वेट कर रहा था कि वो बाहर को निकलेगा एंड मैं उसे खत्म करूंगा, बट यहाँ पर पता नहीं बंदा किस साइड से आके मेरे को खत्म कर जाता है। अब यहाँ पर मैं सामने की साइड ही देख रहा था एंड बंदा अचानक से आता है एंड मेरे को यहाँ पर हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है, एंड इसी के साथ हमारा स्ट्रीक भी टूट जाता है और यहाँ पर हम आते हैं एलिमिनेट। अच्छी बात यह थी कि हमारा इस वाले मैच के अंदर प्लस निकल गया 65 का, एंड साथ साथ यहाँ पर हमारा स्ट्रीक टूट गया, वो बात गलत हो गई। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद मैं बैक आता हूँ, हमारा स्ट्रीक आप देखते हो कि 16 का बन चुका था। एंड अब हमें क्या करना है, ज्यादातर कुछ नहीं, हमें फटाफट से मैच को स्टार्ट करना है एंड देखते हैं आज कितना रैंक अप कर पाते हैं। फिर अगले मैच के अंदर मेरे 3 किल निकल चुके थे एंड जस्ट मैं इसको सेफ होके खेल रहा था क्योंकि मुझे बुया करने ज्यादा से ज्यादा, एंड यहाँ पर जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है जो कि मेरी ग्लू वॉल पर ग्लू मेल्टर डाल रहा है, मतलब कि ये काफी अच्छा बंदा हो सकता है। बाकी वो बंदा नेट भी ट्राई कर रहा है, मैंने भी उसके यहाँ पर ग्लू मेल्टर डाल दिया है, बाकी उसे खत्म करना है। हमारे पास यहाँ पर MP5 है, साथ में स्कार है। ओके, वो डैमेज दे रहा है, मेरे पास एक नेड है, नेड कुक करके डाल देते हैं। ओके, डैमेज, ओके काफी डैमेज हो चुका है वो। चलो सोनिया एक्टिव और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ हमें ये वाला मैच 4 किल के साथ निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड इस मैच के विन करते ही हमारे यहाँ पर प्लेटिनम 300 आता है, प्लेटिनम 4, साथ साथ 58 का प्लस। अब इसके बाद से बात करें तो मैंने और मैचेस खेले जिसके अंदर मेरे को अगले मैच के अंदर भी बुया निकला, जिसके अंदर की टोटल प्लस हमको मिल जाता है 71 का, साथ साथ 2 की स्ट्रिक। क्या बात है। अब अगले मैच की बात करें तो मेरे यहाँ पर 5 किल निकल चुके थे एंड मेरे सामने से जैसे एक बंदा आया एंड मैंने उसको डैमेज देके डाउन तो कर लिया एंड फटाफट फिनिश भी कर लेते, और इसके पास इंजेक्शन है और मेरे को पीछे से एक और बंदा डैमेज दे रहा है, मेडिकेट कर लेते हैं, वो लॉन्चर मार रहा है कि वेट, वो फिर से लॉन्चर ट्राई कर रहा है और फाइनली खत्म। हेडशॉट के साथ ये बंदा भी खत्म हो चुका है एंड लास्ट के अब 6 बंदे अलाइव है, तो 6 बंदों को मारने के बाद हमारा ये वाला मैच भी बुया निकालने का ट्राई करेंगे। एंड इस वाले में पीक के ऊपर ही जोन बना हुआ है, बाकी अभी बंदे हमें पता नहीं किस किस साइड पर है, बाकी अपने पास टोकन तो है, एक काम करेंगे हम हिटलिस्ट मार लेंगे बाकी प्लेयर्स को। तो फटाफट यहाँ पर वेंडिंग की ओर ही चलते हैं।
ओके सामने बंदा, उसको डैमेज पड़ा 27 का ही हेड पड़ा है, बट यहाँ पर और भी बंदे आ चुके हैं। थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं एंड पीछे की साइड से जाके रश करेंगे। बस ये यहीं पर ही कोई छुपा ना हो, नहीं तो मेरे को ही डैमेज देके खत्म कर सकता है। ओके पी के ऊपर देख सकते हो कितने सारे बंदे फाइट कर रहे हैं। डैमेज सोनिया एक्टिव, चलो नॉक हो चुका है, इसके पास भी इंजेक्शन है। फाइनली खत्म, 8 किल हमारे निकल चुके हैं, जस्ट लास्ट के 5 बंदे बचे हुए। एंड यहाँ पर पीछे की साइड से भी फायर आ रहा है, पता नहीं पीछे कहाँ पर है। एक बंदा तो पोर्टल लगा के छत पे जा चुका है, एक पता नहीं इसी साइड पे था, पता नहीं किधर गया। ओके ये रहा डैमेज, चलो खत्म। वो कॉन्ग बन के आ रहा था, लास्ट के जस्ट 3 बंदे बचे हुए हैं। अब इसको भी लूट कर लेते हैं, सुपर मेडिकेट वगैरह मिल चुकी है हमको, वैसे अपने पास काफ़ी हैं। बस जोन यहाँ पर नीचे वाले साइड बने, कहीं ऊपर वाली साइड बनेगा एंड बंदा यहाँ पर हिल बैटल भी कर सकता है। बाकी लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए हैं, एक बंदा तो ऊपर है, बाकी दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ पर है। चलो वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। A few moments later. अब यहाँ पर लास्ट के 2 बंदे बचे हुए हैं, एक बंदे को मैंने डैमेज भी दे दिया एंड वो बंदा ऊपर वाली साइड पे है एंड दूसरे वाले का पता नहीं किस साइड पे है, अभी तक वो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो नीचे भी नहीं है ना ही ऊपर है। एंड यहाँ पर जोन भी श्रिंक हो रहा है कि मुझे यहाँ से ना एक काम करता हूँ, मैं ग्लू मेल्टर वगैरह डाल दूंगा ताकि वो जैसे ही नीचे उतरे उसके ग्लू बॉल भी टूट जाए। वो बंदा भी मेरे पे नेट वगैरह कर सकता है। ओके वो भी ग्लू मेल्टर डाल रहा है। ओके डैमेज भी दे रहा है साथ ही साथ, एक बंदा शायद एलिमिनेट हो चुका है कि ये कूद गया है। डैमेज, चलो इसका सोनिया एक्टिव हो चुका है एंड फाइनली नक, इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं और फाइनली खत्म। तो 10 किल के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल चुका है, बुया बुया बुया। एंड फाइनली गाइज यहां पर हमारा हो चुका है प्लैटिनम 4 से रैंक अप डायमंड 1। तो फाइनली गाइज यहां पर हमको टोटल प्लस मिल जाता है इस वाली मैच के अंदर 66 का एंड साथ साथ स्ट्रीक बन जाती है यहाँ पर 3 की। तो फाइनली गाइज आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, हमने ब्रॉन्ज से लेकर डायमंड 1 तो अचीव कर लिया है एंड अगले एपिसोड में हम हीरोइक तक अचीव करने का ट्राई करेंगे। और बात करें तो हमारे केडी कितना बन चुका है वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 में से 19 मैच बुया निकले हैं, 202 का केडी बन चुका है। एंड अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो 202 केडी ओपी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता लग सके आप लोग यहाँ तक देख रहे हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।